हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश के पोर्शन में जो कॉमन एरर्स आते हैं कि कैसे हम कॉमन एरर्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किस मेथड का इस्तेमाल करें कि उन कॉमन एरर्स को हम आसानी से समझ सकें और आसानी से सॉल्व कर सकें। तो कॉमन एरर्स का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। अगर एग्जाम के अंदर हमारे कॉमन एरर आसानी से सॉल्व हो जाते हैं तो काफी हद तक हमारी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि कॉमन एरर की बात करें, कॉमन एरर से ही जुड़े होते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट और उन्हीं से ही रिलेटेड होते हैं हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये करीब करीब मान के चलिए कि अगर 25 क्वेश्चन है इंग्लिश के, तो ये मान के चलिए कि 12-13 जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉमन एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड ही होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी मेथड को देखेंगे कि कैसे हम कॉमन एरर को एक आसान मेथड से, आसान प्रैक्टिस के जरिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखते हैं कि कैसे हम इस कॉमन एरर के पोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉमन एरर शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये वही बुक है एमबी बुक्स जो मैंने आपको सजेस्ट की थी अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें 97 से लेकर अब तक के सारे एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं वो सब पेपर सेट दिए हुए हैं। तो हम इसी ही बुक को फॉलो करेंगे अपने एसएससी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, और मैंने बताया था कि 40+ मार्क्स आपको यही बुक दिला सकती है। इसी बुक को अगर आप पूरी तरह से सॉल्व करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, एक मन लगाकर पढ़ते हैं, तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप 40+ का स्कोर टीयर 1 में और करीब करीब 160+ का स्कोर आप टीयर 2 में सीजीएल के एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम फर्स्ट जो उसमें सेट दिया हुआ है सेक्शन ऑफिसर ऑडिट, और 1997 का सेट है और उसमें 10 कॉमन एरर आए थे, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, हमारा जो फर्स्ट कॉमन एरर है, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, नो एरर। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ये ना पता हो, तो आपको इस कंडीशन में क्या होता है करना होगा कि इसके पीछे आपको इसका सोल्यूशन दिया हुआ है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखने के बाद आप उसको जब सबको सॉल्व करते चले जाएंगे, जैसे हम चलो इसको करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या एरर है कि आइदर के साथ हमेशा और का इस्तेमाल होता है और यहां पर एंड का इस्तेमाल किया हुआ है, तो हमारा एरर जो है वो सी ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। इफेक्ट नहीं, यहां पर अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट का इस्तेमाल होगा, अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक, नेक्स्ट है, दीज डेज जो अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। तो यहां पर देखिए, जैसे कि सेंटेंस देख रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, जबकि बेटर का इस्तेमाल हम कॉम्पिटेटिव डिग्री में करते हैं, तो बेटर की जगह यहां पर गुड का इस्तेमाल होगा, एज गुड एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। नेक्स्ट देखते हैं कि वेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स ए डिफरेंट कलर ऑल टूगेदर। तो यहां पर जो मुझे लगता है कि वेन व्यूड विद जो है प्रीपोजिशन यहां पर नहीं आएगी, इसको देख लेते हैं। मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है, तो आप देख सकते हैं। हाँ, तो यहां विद की जगह फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, वेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स ए डिफरेंट कलर ऑल टूगेदर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन मैनी ओकेजन वी डिड हेल्प द पुअर। देखिए गलती यहीं पकड़ में आ जाएगी कि डिड के साथ हेल्प का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट में हो गया सेंटेंस, तो वहां सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, अनलेस इट इज एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर वुड टू ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। तो एक्सेप्टेड बाई का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। ठीक है, ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू
सुधीर यस्टरडे ही ट्राइज टू अवॉइड इट, तो सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो ट्राइड होगा, ट्राइज की इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर, ट्राइड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो यहाँ पर वाज की जगह वर का इस्तेमाल करेंगे, वर नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। नेक्स्ट देखते हैं, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड गो टू गो बैक ऑन हिज प्रोमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। तो यहां पर हम इसमें क्या हो सकता है देख लेते हैं इसको भी। यहां पर रिमूव डू क्योंकि एंड या बट के बाद आने वाले, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, रिमूव डू क्योंकि एंड या बट के बाद आने वाले वर्ब का फॉर्म उसके पहले आने वाले वर्ब के अनुसार होता है। रूल थर्ड वर्ब कॉन्सेप्ट, तो ये आपको रूल थर्ड इसमें दिया हुआ भी है, वर्ब वाले में वर्ब के कॉन्सेप्ट जहां दिए हुए स्टार्टिंग में, तो वहां भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं इसीलिए मैं इस बुक को बहुत ही बेस्ट मानता हूँ SSC की इंग्लिश तैयार करने के लिए, इसलिए बेस्ट बुक है क्योंकि अगर आपको कोई एरर प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको लास्ट में उसको डिटेल दी हुई है और उसके साथ ये भी दे रखा है कि ये रूल आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा। इसी बुक के स्टार्टिंग में वो रूल सब दिए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ जॉब सम जॉब। ठीक है, तो एट का इस्तेमाल यहां पर नहीं करेंगे, ये एट यहां पर जरूरी नहीं है। तो गाइस इस तरीके से 1 से लेकर 10 हमने किए, कुछ हमें आते थे कुछ हमें नहीं आते थे। मैं मानता हूं आपको फर्स्ट डे जब आप स्टार्ट करेंगे एक भी ना आता हो, लेकिन आपने वो 10 के 10 देखे पीछे, ठीक है, आपने कर दिए। जब आप नेक्स्ट टाइम उसी दिन कम से कम मैं मानता हूं 5-6 सेट 10 सेट आप डेली करना क्योंकि टाइम कम होता है और हमें 133 सेट, इसमें 133 सेट है तो 133 सेट कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, तो फिर आप जब नेक्स्ट सेट में जाएंगे तो ऐसा होगा कि आपके अब एक दो कॉमन एरर बनने लगेगा, होने लगेगा। ठीक है, जब थर्ड सेट में जाएंगे तो और ज्यादा इंक्रीज होने लगेंगे, फोर्थ सेट, फिफ्थ सेट, सिक्स, तो ऐसे ही जब आप करने लगेंगे 30-40-50-60 सेट जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपकी जो कॉमन एरर करने की स्पीड बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कॉमन एरर आपको क्या होगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मैंने वहां पढ़ा था, उस सेट में आया था, ये था, तो इसमें ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको तुरंत पकड़ लेंगे उस प्रॉब्लम को और तुरंत आप उसको सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा, एक तो हमारा बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हमारी हमारी जो है नॉलेज इंक्रीज होनी चलती चली जाएगी। अब हमें रूल स्पेशली रूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने सीधा वो चीज पढ़ी जो एग्जाम में आ रही है, सीधे उस क्वेश्चन को हम अप्लाई करके देख रहे हैं, हमें कोई रूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। रूल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल सीधे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, डायरेक्ट हिट वाला मेथड इस्तेमाल करना है हमें इसमें। तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आप डेली 8-10 सेट लीजिए कॉमन एरर के, 5 कॉमन एरर है, 10 कॉमन एरर है, उन्हें डेली प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है, कॉमन एरर के साथ साथ आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उठा लीजिए या वोकैब का कोई, मतलब दो चीजें कम से कम डेली 10 सेट में, कि मान लीजिए आपने 5 या 10 कॉमन एरर एक सेट में हो गए और 5 या 10 मान लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, तो ये दोनों चीजें आप 10 सेट की एक दिन में करेंगे। नेक्स्ट फिर जब ये 133 सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे फिर कोई दूसरी चीज आप उठा के इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरह से आपकी बहुत ही अच्छी बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी। मैं मानता हूं 100% आप जो टारगेट बना के चल रहे हैं 40+ का इंग्लिश में वो आपका अचीव हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आज मैंने कॉमन एरर को कैसे करना है आपको ये बताया है इस वीडियो के जरिए। नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के और पोर्शन को कैसे आप बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। ठीक है गाइस, तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर करें, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी का साइन दिखाई देगा, उस घंटी के साइन पर क्लिक करके क्या होगा कि आपको जो मैं डेली वीडियो डालता हूं उसका अलर्ट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।